रउआ से हमके बड़ी खीस पड़ेला, जेकर बेटी घर में जवान से यान बैठल है, उकर बाबूजी के खूब नींद आई, गहरी नींद में सुतब रउआ। हमके तो अब ऐसा लागेला चिड़िया गुप्ता खेतवे चुभ गेला, अब कुछ ना बाचल। अरे तो इकर में हमार का गलती है, है? दुई दुई लड़का तो हम मुटरा बिटिया के घर से देख के ऐबे कर ली। हम बियाह के बात छेड़ ली तो दियो के दियो लड़का कहे लागल है कि अभी जब तक नौकरी ना पाई, जब तक हम नौकरी ना पाई तब तक हम बीए ना करब। तो का हम जबरदस्ती बेटी के गला बांध दी दियो लड़का का? बाबू जी, बड़की भौजी के जो भतीजा रहे पंकजवा, वो नहीं कहले रहे कि जब तक हमारे नौकरी नहीं लागी एक साल बादे हम बियाह करब। और डुमनवा तो सारे नहीं कहले रहे, डुमन तो कहले रहे कि हमारे नौकरी लग जाए और हम बियाह करब। ठीके तो कहा था भूरा बिटिया, दियो लड़का तो कहले रहे नु कि नौकरी लग जाए तो हम बियाह करब। तो अब तो नौकरी लग गई, एगो के लागल सरकारी नौकरी, डुमन के पंकजवा के लागल प्राइवेट नौकरी। तो अब बात छेड़ी, उ लोगन कहले रहे कि नौकरी लग जाए तो बियाह करब, एक साल के बतवा कर ले रहे हैं। तो एक साल से पहले ही नौकरी लग गई और हम लोगन के भी यही साल बेटी के बियाह करे है, तो बतवा जाए के करी हम तो कहब। हम बार बार कैसे कही एक साल बाद कहले हवन, तो कैसे हम फिर चली जाए दोबारा? रउआ बेटी के बाप ही समझ ली, बेटी के बाप के तनी गिरिए के रहले जाएला। हाँ नहीं तो ज्यादा भाव ना खाई, बेटी के बियाह करे खाए, कोनो हिया ताव में नहीं खे बैठे। हमारे माए बापू के किस्मतिया कैसन है, हमार बियाह करे खातिर माए बापू हमारे तुतु मई मई होवत है, कैसे का होई हमार, हमके तो समझ में नहीं खे आवत। ये बाबूजी, जब इतना हिचकिच लागते है कैसे करी नहीं करी, तो पंकजवा के रवा लगे लम्बरवा रहे न, वहे पंकजवे के फोन करके पूछे कि हाँ बबुआ नौकरी उकरी लाग गई, का हाल चाल है, अभी बियाह के बात ना करब, खाली पूछी नौकरी चाकरी लागल कि नहीं लागल, तो देखब कैसा नुकर बात में हाव भाव है। तनी घमंड भी गले है कि का बतिया करल से समझ में आ जाए बाबूजी, पंकजवा से फोन में बात करी न। बिटिया ये तो एकदम ठीक कहले, पंकज से फोन में बात कर लेती तो कुछ समझ में जरूर आई। अरे सुनी ला कि पंकज के लागले है प्राइवेट नौकरी, अरे थी डुमनवा के सरकारी नौकरी 40,000 मिली महीनवा। हाँ पंकज के लागल है प्राइवेट नौकरी, डुमन के लागल है सरकारी नौकरी मास्टर में। अरे जो पंकज के लागल है प्राइवेट नौकरी है, लेकिन 1,00,000 पेमेंट है, प्राइवेट नौकरी में पैसा बहुत मिलेला, और यह है सरकारी नौकरी में अब लग गई तो लाइफ टाइम तक रिटायरिंग भी मिलते रही पैसा, सरकारी जॉब में यह फायदा है। हमके तो लागे ला बाबूजी, दियो के दियो लड़का के घमंड हो गेले होई बाबूजी, हाँ नौकरी लाग गेले नु वह खातिर तो के भी कहत रही बिटिया कि बिया कर ले डुमने से लड़का अच्छा है, लेकिन तोई तो वह पंकज जे करे लागले, अब ले पंकजवा के 1,00,000 महीना रुपया मिलता, अब करी बिया, हमके तो लागता पंकजवा के घमंड भे गेले होई। तू लगन बड़ा हमारे दिमाग खाऊला बिटिया, तू भी अरे तोर बाबूजी भी हमारे दिमाग खराब भई तो हमारे नानी के घर निकल के चली जाब। तू लगन यहाँ घर द्वार संभारत रहियो, अरे शादी ब्याह संभारत रहियो। हाँ न तो न कतना बोझ के हम टेंशन लेवी। हाय अम्मा, बिकर में हमारे का गलती भे गई है, हम का करे? अरे बिटिया के कहे खातिर डांटा थी, बिटिया कर में का कर ले है, है? अब लड़का लोगन भी तो कहले रहनी एक साल, तो बिटियो कहला कि एक साल ना डांटो बिटी के। यो बाप बेटी के हमार बात बड़ी बुरा लागेला। ए बिटिया बुरा, पंकज लगे फोन लगा तो बिटिया पता चली जाई। बाबूजी फोनवा लगा दो थी, रवा बात करी ने। बिटिया पहले तो बतिया ले, फिर कहियो कि बाबूजी सभी ली बात कर ली। हेलो 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 पंकज, हम भूरा बोले थी। हेलो हेलो कौन? अरे कौन है यार, बोलो कुछ भी। आवाज नहीं खे जात का पंकज, हम भूरा बोले थी। लड़का के बातें से लागत है लड़का के घमंड भी गए बा। अरे भूरा, अरे हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? हाल चाल सब ठीक है, नौकरी उकरी सुन ली लाग गई रे। हाँ मेरा नौकरी तो कल ही ज्वाइन कर लिए हम, 1,00,000 महीना
कर नौकरी लगा है। और सुनो ना भुर्रा, मेरे पास एकदम बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है, हम अपने दोस्तों लोग के साथ अभी पार्टी कर रहे हैं, तुम रखो, जब हमको टाइम मिलेगा तो देखते हैं हम कॉल कर लेंगे, ठीक है? अरे रुकी नहीं एक मिनट, हमारे बाबूजी से भी बतिया ली, हमारे बाबूजी रवा के बधाई दी है ना, रवा नौकरी लागल नु। अरे नहीं 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 नहीं, अभी हमको किसी को बधाई उधाई की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम रखते हैं फोन, ठीक है? रुकी नहीं, हेलो हेलो, अभी तो नौकरी ही लगा है, परेशान करना चालू हो गया, ठीक है से बात कर लग बिटिया पंकज। नहीं बाबूजी, जे बतिया के डर रहे वह बतिया भेज गई हमके, तो लगता बड़ी घमंड से बात करत रहे बाबूजी, उकर जगह तो एक मिनट के टाइम नहीं के बात करे कर। हमके भी लड़का के बतिया सुन के बड़ा घमंडा लागलक हमके। अरे वैसे ना कोई बात नहीं है, अभी नया नया नौकरी लागल है ना, तो वही तनी खुशी के मारे तनी बौछार हो गेले हुई। हम कहली बाबूजी कि बाबूजी रवा के बधाई ले बात करहिन, तो कहे लगा था कि अभी नौकरी लागल नहीं, सब लोगन परेशान करे चालू कर देलन, कह के फोन काट देल बाबूजी। रवा जब मुटुरा बिटिया के घर गेले रही जियो लड़का के देखे, वही समय अरवा के फल फूल अरे 1100 रुपया दे के छेक देले रहती, अभी तो कहा के रहता कि हम लड़का छेक ले ही, रवा हक से बात करती, अब कौन मुँह से करब बात, अब तो लड़का का घमंड भी भे गई। हम तो कहब मुटुरा बेटी के घर काले निकली ला, जब तक हम बेटी के घर जाए के लड़का लोगन के घर जाए के हुआ के हाल चाल नहीं ले वब, तब तक हमके कुछ बतिया पता नहीं चली, हम काले मुटुरा बेटी के घर जाइला और दामाद के साथे दियो लड़का के घर जाई। हाँ ई बतिया रोवा ठीक कहली, हम तो कहब भूरा बिटिया के भी ले जाई। अरे भूरा बिटिया का करे ले अभी जाए, अभी अभी तो अले है भूरा बिटिया। ई सही मौका है डुमनवा और पंकज कर पता लगाए के कि लोगन के मनवा में का चलता, बाबूजी के साथ हमो चली जाएला दीदी के घर, ठीक रही। बाबूजी हमो जाए दीदी जीजा के घर, जब से दीदी जीजा के घर से हम हियाँ पे आइले है तब से हमको हियाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लागेला बाबूजी, हमो जाए। ठीक कहता भूरा बिटिया ले ले जाए। अच्छा ठीक है बिटिया, जल्दी से अपन कपड़ा लता पैक निकाल ला, बेगवा में भर ला, हम काले जाइम, ज्यादा लेट करल से हो सके लड़का लोगन का कहीं और दूसरा जगह बात होते चले लगे जाए, नौकरी नु लागल है, काले जाइब और काले हम बात करी ला।